सुनंदे मातरम, आपने कई बार एक्टर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया मूवी की डिमांड थी इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये मूवी की जो डिमांड है ये उत्पन्न कहाँ से होती है? क्या मूवी भगवान लिख के भेजते हैं या मूवी कोई इंसान ही लिखता है? जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज के हिसाब से पता है एक मूवी को भी इंसान ही लिखता है। तो सीधी सी बात हुई, अगर मूवी को इंसान लिख रहा है तो जो डिमांड उत्पन्न हो रही है वो भी एक इंसान के द्वारा उत्पन्न की हुई डिमांड है। अब कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, एक था विलन, इसमें अर्जुन कपूर के साथ जॉन अब्राहम भी दिखाई दिए थे। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। दरअसल बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम के खिलाफ उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इस चीज़ के लिए हमें बॉलीवुड को एकजुट होने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हैं उन लोगों को सबक सिखाया जा सके। अब पठान का ट्रेलर का रिलीज़ हो चुका है और रिलीज़ होने के साथ ही दोनों तरह की बातें होना शुरू हो गई। जहाँ एक तबके ने ट्रेलर को काफ़ी अच्छा बताया तो वहीं पर जो लोग बॉयकॉट की तैयारी करके बैठे थे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में एक बार फिर से अर्जुन कपूर का रिएक्शन निकल कर सामने आया है पठान को लेकर शुरू हुए इस बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम को लेकर। और इस बार जो उन्होंने बात कही है वही है कि भैया जो हो रहा है डिमांड के हिसाब से हो रहा है। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि भैया आखिर में ये डिमांड को उत्पन्न ही कौन कर रहा है? शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर 10 जनवरी 2022 को रिलीज हो गया। ट्रेलर रिलीज के लिए शाहरुख खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी थे और सुबह 11 बजे पठान का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ उसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म को लेकर खड़ा हुआ विवाद खत्म होने का नाम ले नहीं रहा। इस बीच में बॉलीवुड के अभिनेता अर्जुन कपूर ने फिल्म पर छिड़े विवाद पर अपना बयान जारी किया है। अर्जुन कपूर ने अपने इस बयान में पठान का सपोर्ट किया और आर्टिस्ट के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में भी बात करी। अर्जुन कपूर फिलहाल अपनी फिल्म कुत्ते के प्रमोशन में बिजी। अर्जुन कपूर की ये फिल्म 13 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस बीच पठान को लेकर अर्जुन कपूर का कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर खड़े हुए विवाद के बारे में बात करते हुए अर्जुन कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार पर भरोसा रखना होगा जो एक साथ काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को होता है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर हमें वो करना पड़ता है जो कि मूवी की डिमांड होती है। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने आगे कहा कि हमारा काम फिल्म की ज़रूरत को पूरा करना है और इसके बाद फिल्म को दर्शकों को सौंप देना है। वही फैसला कर सकेंगे कि ये फिल्म उनकी भावनाओं को आहत कर रही है या नहीं। जब भी कोई फिल्म बनती है एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है और इस प्रोसेस में हमें लोकतंत्र के नियमों को भी फॉलो करना पड़ता है। इस बीच बता दें कि फिल्म पठान को लेकर विवाद मूवी के गाने बेशरम रंग को लेकर शुरू हुआ था। बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर लोगों ने सवाल खड़े कर दी। लोगों का मानना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं लगातार आहत हो रही। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक और विवाद थोड़ा सा ये जन्म ले गया कि भाई KGF में एक्ट करने वाले एक कलाकार ने भी इसके ऊपर बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान KGF एक्टर अनंतनाग ने इस गाने को लेकर हो रहे विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गाने में न्यूड कॉन्टेंट है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं। बता दें कि बेशरम रंग पठान का पहला गाना था जिसे ऑनलाइन रिलीज किया गया था और रिलीज के बाद से ही ये गाना लगातार सुर्खियों में रहा हुआ है। एक्टर ने इस पर विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं को इस तरह दिखाना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड की टीम ने अपना काम सही किया होता तो ऐसा नहीं होता। फिल्म के बारे में भूल जाओ, OTT कंटेंट को देखो, वे हर तरह की घटिया और आपत्तिजनक चीज़ें दिखा रहे हैं। सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया जा रहा है और उन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। भारतीय सिनेमा को बड़े और छोटे पर्दे पर इस तरह से नग्नता वाले कंटेंट को बंद करना चाहिए। हमारी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ चीज़ें दिखाना निश्चित रूप से लोगों के बीच टकराव का कारण बनेगा। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन बनी फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने की तैयार हो चुकी है। उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और उसी के पहले ये जो पूरा विवाद है ये खड़ा हो चुका है। दरअसल एक बार फिर से पठान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रेलर सामने आ चुका है, उसके बाद कई लोगों ने एक बार फिर से उन्हीं बातों को उठा दिया है कि यार नहीं, इस मूवी में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, काफ़ी सारी परेशानियां हैं। हालांकि ट्रेलर में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस है, एक्शन से भरा हुआ है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई गई जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये विवाद पैदा करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक पूरे सर्किट में इसको लेकर बातें तो हो ही रही हैं। कई लोग अच्छी बोल रहे हैं, कई लोग बुरी बोल रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।